मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ट्रेडिशनल इंडियन मेकअप ट्यूटोरियल। तो वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं पहले से फेस वॉश करके प्राइमर लगा ली हूँ अपने फेस में। अब मैं सबसे पहले आई मेकअप कर रही हूँ। तो आई मेकअप में सबसे पहले मैं अपने आईज़ पे कंसीलर लगा रही हूँ, अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब उसे कॉम्पैक्ट से अच्छे से सेट कर लें। अब मैं अपने आईब्रो को सेट कर रही हूँ ब्रश के द्वारा। अब उसे ब्रश से अच्छे से सेट कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से पूरी तरह सेट हो जाए। अब मैं अपने ब्रॉ बॉन में कंसीलर लगा रही हूँ ताकि जो मेरे आईब्रो है वो ब्राइटनड लगे। आप अच्छे से इसे लगा लें ताकि जो आपके आईब्रो है वे बिल्कुल निखर कर आए। अब मैं इसे कॉम्पैक्ट से सेट कर रही हूँ। अब आई शेडो पैलेट से ब्राउन कलर का आई शेडो लेकर अपने क्रीज लाइन पर लगा रही हूँ। अच्छे से ब्लेंड करें, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है गाइस। ब्लेंड नहीं करेंगे तो आपका आईशैडो अच्छे से नहीं लगेगी। अच्छी तरह से ब्लेंड करें। अब मैं ब्लैक कलर का आईशैडो लेकर अपने आईज़ के कॉर्नर पे लगाऊंगी और अच्छे से उसे ब्लेंड करूंगी। ब्लेंडिंग इज़ मस्ट गाइस, प्लीज़ आप अच्छे से ब्लेंडिंग करें तभी आईशैडो अच्छे से आपकी निखर कर आएगी। अब मैं अपने आईलेट पे कंसीलर लगा रही हूँ। दोनों आईज पे लगा लूँगी कंसीलर, अच्छी तरह से उसे सेट कर ले। अब मैं उसे कॉम्पैक्ट से सेट करूँगी। अब मैं गोल्डन कलर की आई शेडो अपने आईलेट पे लगाऊँगी और अच्छे से उसे सेट कर लूँगी। दोनों आईज पे अच्छे से लगा लूँगी, उसे सेट कर लूँगी। आप देख सकते हैं किस तरह मैंने आई शेडो लगाया है। अब मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, लैक्मे 925 की आईलाइनर, बहुत ही अच्छी है गाइस। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। मैं हमेशा यही आईलाइनर यूज़ करती हूँ, वाटर प्रूफ, स्मच प्रूफ, बहुत ही अच्छा आईलाइनर है। अपनी दोनों आईज पे आप अच्छे से आईलाइनर लगा लें। अब मैं अपने आईलैशेस को कर्ल करूंगी कलर के मदद से। और मेरी आईलैशेस अब कर्ल हो चुकी है गाइस, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब मैं मास्कारा लगाऊंगी, कॉलर सेंस की मास्कारा। अब मैं आईलैशेस लगाऊंगी गाइस। मैंने आईलैशेस लगा लिया। अब मैं मैबलिन का फिट मी लिक्विड फाउंडेशन लगाऊंगी। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी में डुबोकर उसको निचोड़ कर रख लूँगी। अब अपने फेस में मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी और उसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कभी भी फाउंडेशन लगाने से पहले गाइस आप ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में डुबो कर उसे अच्छे से निचोड़ ले, उसके बाद ही आप अप्लाई करें अपने फेस पे ताकि आपका फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपका फाउंडेशन कभी केक ही नहीं लगेगा। कभी कभी होता है आप स्वेटिंग के कारण आपका फाउंडेशन बहुत केक ही लगता है, तो अगर आप इस तरीके से अपने फाउंडेशन को लगाएंगे तो आपका फाउंडेशन कभी भी केक ही नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से आपका फाउंडेशन सेट हो जाएगा। अच्छी तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। आप उसे रगड़े नहीं, अगर रगड़ेंगे तो आपका फाउंडेशन अच्छे से नहीं लगेगा, लगेगा पेंट है। आप उसे अच्छे से टैप टैप करके ब्यूटी ब्लेंडर से लगाएं ताकि आपका फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से लगाया हुआ है।
अब मैं अपने नेक एरिया में फाउंडेशन लगा कर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब देख सकते हैं, अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगा कर अपनी फाउंडेशन को अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। मैंने वेला वॉटसे का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया हुआ है। अपने फेस के साथ साथ अपने नेक एरिया में भी गाइस कॉम्पैक्ट पाउडर ज़रूर यूज़ करें और अच्छी तरीके से सेट कर लें। आप देख सकते हैं हमारा मेकअप कितना अच्छा तरीके से दिख रहा है। अब मैं लोअर लैशेस पे ब्लैक कलर के आई शेडो लेकर स्मच कर रही हूँ और उसे स्मोकी लुक्स दे रही हूँ। अब मैं गोल्डन कलर की आई शेडो लेकर अपने इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। अब मैं काजल लगा रही हूँ। अब मैं कंटूरिंग कर रही हूँ अपने फेस पे। अब मैं ब्लश लेकर अपने फेस पे ब्लश करूँगी अपनी चीक बोन्स एरिया पे। अब मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए पहले मैंने वैसलीन लगा लिया, उसके बाद मैंने लिप लाइनर लगाया हुआ है। पहले लिपस्टिक लगाने से पहले आप ज़रूर लिप लाइनर को अपने लिप्स को कंटूर कर ले और शेप दे दे अच्छी तरीके से। अब मैं किस ब्यूटी का लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ, सॉरी गाइस मैं भूल गई थी इसका नाम, इसलिए आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से लिपस्टिक लगा ली। अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। ये हाइलाइटर बहुत ही अच्छा गाइस, आप देख सकते हैं कितना ग्लो कर रहा है हमारा फेस। आई लव इट हाइलाइटर, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं कई सालों से ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये, बहुत ही अच्छा ये लुक देता है फेस को। आप देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक, आई एम रेडी। ये था मेरा फाइनल लुक, वीडियो पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।